हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो मॉडल पेपर है उसमें जो लघुतरीय क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर करने वाले आपके एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट उसी तरह का क्वेश्चन हमने यहां पर लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल उभयधर्मी होता है, कारण बताइए। अमीनो अम्ल जो होते हैं उभयधर्मी, मतलब वो एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह कार्य करते हैं, क्यों आपको यही बता देना है। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, व्हाई, एक्सप्लेन। स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा, सबसे पहले जानना होगा कि अमीनो अम्ल है क्या। दोस्त, तो अमीनो अम्ल एक कंपाउंड का नाम है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब जाहिर नहीं रहे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, और जो एमीन ग्रुप है NH2 एमिनो ग्रुप, ये क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इसी तरह से एक ही कंपाउंड में एक जो होता है ग्रुप प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है और दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब ये हुआ कि एमिनो अम्ल का जो नेचर है वो एक ऐसा है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाए, बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाए। और दोस्त, यही तो वजह है ना कि जलीय विलयन में एमिनो अम्ल बनाता है, ज्यूटर आयन का निर्माण करता है, और जब ज्यूटर आयनिक फॉर्म में होता है तो वह उभयधर्मी होता है। आपकी सुविधा के लिए सारी बातें हमने लिख दिया है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं दो मिनटों में। एमिनो जो आपको पूछा गया, एमिनो अम्ल एक ऐसे कंपाउंड का नाम है जिसमें दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि अम्लीय नेचर का होता है, प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, देह धनाधन प्रोटॉन त्यागता है दोस्त। और दूसरा होता है एमिनो ग्रुप, और यह किस तरह की प्रकृति वाला होता है, यह प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेने की प्रकृति वाला होता है। और क्या होगा, अब होता यह है कि यह अम्लीय गुण दिखाता है और यह क्षारीय, एक ही जब बॉडी में आधा एसिड आधा वो बेस वाला हो जाएगा तो उभयधर्मी होना ही है ना। और इस तरह से जलीय विलयन में COOH एक प्रोटॉन का त्याग कर देता है और NH2 ग्रुप जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से ज्यूटर आयन बन जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा दोस्त, ये ज्यूटर आयन है, और वास्तव में ये उदास होता ही है ना। देखिए, इस पे ऋणायन भी है और धनायन भी है, याद रखिएगा। अब ये क्या कहें, ये होता है उदासीन होता है ज्यूटर आयन। एक अलग से भी क्वेश्चन है कि ज्यूटर आयन क्या है, तो याद रखिएगा कि जब एक ही अणु पर एक धनायन धुआं उसी पर एक ऋणायन भी हो जाए तो इस तरह से ज्यूटर आयन कहला जाता है। तो दोस्त, इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब यहां पर लिखा हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। बस याद रखिएगा कि एमिनो अम्ल इसलिए उभयधर्मी हो गया क्योंकि उस पर एसिड वाला ग्रुप और बेस वाला दोनों ग्रुप मौजूद है। नोट करिए।